नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बायो बॉलीवुड चैनल पर स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त सिमी साहा। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत जोड़ी के बारे में, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चलिए एक नजर डालते हैं इनके फिल्मी सफर पर। तो कौन सा आम तोड़ना है? जो मैं आम बोलूं, तुम गोली मारते तोड़ सकते हो? ये किसका ट्यून है? ये टैगोर की ट्यून है। अच्छा, क्योंकि ये कौन बोला? ये हम बोल रहे हैं। कोई हसीना जब रूठ जाती। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोस्ट ब्यूटीफुल कपल की बात की जाए तो हमारे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का। ये दोनों बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे खूबसूरत कपल में से एक हैं। आज इन दोनों की शादी को 43 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का प्यार आज भी बरकरार है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि धर्मेंद्र से पहले हेमा मालिनी की शादी किस अभिनेता से होने वाली थी और कैसे ऐन मौके पर पहुंचकर धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी की शादी तुड़वा दी थी? धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने लगभग 28 फिल्मों में एक साथ काम किया और 1970 में आई फिल्म तू हसी मैं जवां के सेट पर धर्मेंद्र को हेमा मालिनी से प्यार हो गया था। लेकिन समस्या ये थी कि उस वक्त धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता थे। फिल्मी दुनिया में कदम रखने से पहले ही सिर्फ 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी प्रकाश कौर से हो चुकी थी। हेमा मालिनी को पहले तो धर्मेंद्र में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिल्म प्रतिज्ञा की शूटिंग के दौरान हेमा मालिनी का दिल भी धर्मेंद्र के लिए धड़कने लगा। धर्मेंद्र ना सिर्फ शादीशुदा थे बल्कि हेमा मालिनी से उम्र में पूरे 13 साल बड़े थे। हेमा मालिनी के माता पिता को ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अपनी बेटी की शादी पहले से शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता से करने के लिए तैयार नहीं थे। अब आपको बताते हैं कि कौन था वो अभिनेता जिससे हेमा के पिता उनकी शादी कराना चाहते थे, और वो थे जितेंद्र। लेकिन जितेंद्र की जिंदगी में पहले ही से एक औरत थी और वो थी शोभा कपूर, जो आज जितेंद्र की धर्म पत्नी है। जितेंद्र और शोभा की दोस्ती तब हुई जब वो सिर्फ 14 साल की थी और स्कूल में पढ़ती थी। उस वक्त उनकी दोस्ती जितेंद्र से हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ साल बाद शोभा एयर होस्टेस बन गई और वही जितेंद्र फिल्मों के लिए स्ट्रगल करने लगे। शोभा जितेंद्र के प्यार में पागल थी और वही जितेंद्र को कुछ फिल्मों में हेमा मालिनी के साथ काम करने का मौका मिला। ये फिल्में थी वारिस, गहरी चाल और दुल्हन। ये दोनों एक साथ काम कर रहे थे और जितेंद्र हेमा मालिनी की खूबसूरती के आगे अपना दिल हार बैठे। लेकिन धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पहले ही से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी की माँ, जो काफी डोमिनेटिंग महिला थी और हेमा मालिनी की जिंदगी से जुड़े ज्यादातर फैसले वो ही लिया करती, वो चाहती थी कि हेमा की शादी जितेंद्र के साथ हो जाए, क्योंकि जितेंद्र एक उभरते हुए कलाकार थे और फिल्मों में लगातार कामयाब होते जा रहे थे। जितेंद्र और हेमा मालिनी 1975 में आई फिल्म दुल्हन में एक साथ काम कर रहे थे। दुल्हन फिल्म की शूटिंग साउथ में हो रही थी, वहां ना तो धर्मेंद्र थे और ना ही शोभा। जितेंद्र ने मौका देखकर दुल्हन फिल्म के सेट पर हेमा मालिनी को प्रपोज कर डाला। उधर हेमा की माँ उन पर शादी के लिए दबाव बनाने लगी। हेमा अपनी माँ के कहने में थी और उन्होंने जितेंद्र से शादी के लिए हाँ कह दी और दोनों ने ही साउथ में फिल्म की शूट पर शादी करने का फैसला कर लिया। जितेंद्र इस मौके को बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहते थे और उन्होंने शूट पर ही शादी की तैयारियां शुरू कर दी। सारे रीति रिवाज होने लगे और इन दोनों की शादी पक्की हो गई। लेकिन कहीं से यह खबर मुंबई में शोभा को मिल गई। ये बात सुनकर शोभा बेहद परेशान होती, क्योंकि वो बचपन से ही जितेंद्र को बहुत चाहती थी और ये जानती थी कि धर्मेंद्र का हेमा मालिनी से अफेयर चल रहा है। वो फौरन धर्मेंद्र के पास पहुंच गई और उन्होंने उन्हें सब कुछ बता दिया। धर्मेंद्र के गुस्से से तो आप सभी वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगा
उन्होंने फौरन प्राइवेट हेलीकॉप्टर किया और शोभा को लेकर दुल्हन फिल्म के सेट पर जा पहुंचे, जहां इन दोनों की शादी होने वाली थी। अगर धर्मेंद्र एक दिन की भी देरी कर देते तो जितेंद्र और हेमा की शादी हो चुकी होती। वहां पहुंचकर धर्मेंद्र ने हेमा से बात की और शोभा ने जितेंद्र से एक दूसरे को समझाया और इन दोनों को शादी करने से रोक लिया। इसके बाद धर्मेंद्र हेमा को लेकर मुंबई लौट आए और उधर जितेंद्र ने शोभा से वादा किया कि अगर उनकी फिल्म विदाई सुपरहिट हो जाएगी तो वो उनसे शादी कर लेंगे। फिल्म सुपरहिट रही और 8 अक्टूबर 1974 को इन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन वही धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई थी। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से शादी करने के लिए अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक देना चाहते थे, लेकिन प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक देने से इनकार कर दिया क्योंकि वो हर हाल में अपना घर बचाना चाहती थी। और वहीं धर्मेंद्र हर कीमत पर हेमा मालिनी को अपना बनाना चाहते थे, इसलिए धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन किया और इस्लाम धर्म कबूल किया और सन 1980 में इन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों की दो बेटियां हैं, ईशा और अहाना। ये दोनों अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं। वहीं आपको बताते चलें कि धर्मेंद्र और प्रकाश कौर का आज तक तलाक नहीं हुआ और धर्मेंद्र आज भी अपनी पहली पत्नी को पूरा सम्मान और समय देते हैं। वैसे आपको धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़े ऐसे दिलचस्प किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दाल काला काली दाल मैं समझा नहीं। नींद नहीं क्या आई नींद मेरी आ दल कौन प्रेम दल प्रेम दल।